प्रीपेड वाला सिम को कैसे कैंसिल करना है, इसको कितना बिल डालना है, कितना बिल जमा करके कैंसिल करना है, और डू ऑफिस में कैसे कॉल करना, इसका अपडेट वर्जन मालूमात के लिए देखिए ये पूरा वीडियो। हम ये चाहते हैं कैंसिल करने के लिए सिम, ये जो पोस्टपेड सिम कार्ड है बंद करना चाहता हूँ। नंबर थोड़ा देखिए, इसमें बिल है और कितना टाइम में बंद कर सकते हैं, थोड़ा डिटेल्स थोड़ा बताना है। 052 676 4412। शुक्रिया, आपका नाम जान सकते हैं? मोहम्मद शहीद मोहम्मद हाबिद। शुक्रिया, थोड़ा सा वक्त दीजिए। मैं जब का जो प्लान है ना, आप 26 तारीख को कोई भी नज़दीकी डूब से चले जाइए। आपको खाली आपका आउटस्टैंडिंग बिल पे करना होगा 26 से, उसके बाद कभी भी चले जाइए। खाली आपका जो आउटस्टैंडिंग बिल होता है वो पे करिए, आपका सिम कार्ड बंद हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग बिल मतलब जितना आपका बिल आता है ना हर महीना, अभी आउटस्टैंडिंग 69 है। 69 पेमेंट करिए, 69 जो आपका पिछले महीने का यूसेज है उसमें से 69 दिरहम बाकी है। अभी ये महीने का अगर फॉर एग्जाम्पल 26 तारीख को जाते हो डू स्टोर बंद करने के लिए, तो 1 से 26 तक का डू स्टोर में कैलकुलेट करेंगे, आपको पूरा महीने का पे नहीं होगा ये महीने का। जितना दिन आप सर्विस यूज करोगे वो सर्विस बता देंगे आपको, उतने दिन के हिसाब से पे करना होगा, और 69 दिरहम बस, आपका नंबर बंद हो जाएगा। अच्छा अच्छा, हम ये बंद नहीं करेगा तो हमारा बिल कैसे कैसे आएगा? सब सेम रहेगा, खाली आपका डेटा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। डेटा नहीं मिलेगा और जो मिनट मिलते हैं वो मिलेगा? डेटा आपको खाली 1 GB मिलेगा। आपको जो कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया हो ना, तो कॉन्ट्रैक्ट आपको 5 GB डेटा मिलता है, क्योंकि आपने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया हो। हाँ। तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो आपको जो 5 GB डेटा मिलता है वो मिलना बंद हो जाएगा। अच्छा, डेटा भी बंद हो जाएगा, मिनट भी बंद हो जाएगा? नहीं नहीं, सब मिलेगा, खाली आपको 5 GB डेटा नहीं मिलेगा, खाली 1 GB डेटा मिलेगा और मिनट जो है सब चीज़ मिलेंगी, खाली 5 GB डेटा नहीं मिलेगा। तो कितना पैसा में वो? सेम प्राइस सेम रहेगा। अच्छा अच्छा, वो सेम प्राइस में? जी हाँ, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराना है तो हमें कॉल कर लेना, आपके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करके दे देंगे। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो हम कैंसिल कर देगा, क्यों, ये बिल ज़्यादा आ जाते। कोई भी नज़दीकी डूब से चला ही, बिल पे कर दीजिए बस, हो जाएगा बस। बिल पे करेगा बस, कैंसिल कर देगा? जी हाँ। ऐसे करके ऑफिस में भी कॉल कर सकते, 155 में कॉल करके डू ऑफिस में जानकारी के लिए, ऐसे करके आप लोग का सिम से ये कॉल कर सकते। 155 लगा के 2 लगाना, फिर 11 लगाना, फिर उधर बताएगा कौन सा लगाएगा, उन लोग को साथ बात होगा, वो आपका सिम में अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग सिम से अलग अलग नंबर लगाना है। तो हमारे सिम से 21166 लगाएगा, उन लोग बात करेगा, तो आपका सिम से अलग नंबर लगाना पड़ेगा, बात इधर सुन के जो नंबर बताएगा वो नंबर लगाना पड़ेगा। ये जो हेल्पलाइन में फ़ोन किया इसमें भी प्रीपेड सिम कैसे कैंसिल करना है, आपका कॉन्टेक्ट खलास नहीं हुआ कैसे करना है, तो इसका बारे में जानकारी के लिए ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। बाद में आप ये सिम, आपका जो पैसा खाने वाला सिम, ये बंद कर सकते। ये बहुत पैसा खाते, बहुत बिल आ जाते, आदमी का बहुत सर्वनाश हो जाते, इसके लिए देखिए ये पूरा वीडियो। अपनी डिफॉल्ट भाषा बदलने के लिए 1 दबाएं, डायरेक्टरी सेवा 2 दबाएं, मौजूदा शिकायत के बारे में जानकारी के लिए 3 दबाएं, ब्लैकबेरी स्मार्टफोन या डेटा बंडल सपोर्ट के लिए 4 दबाएं, बिलिंग सपोर्ट के लिए 5 दबाएं, तकनीकी सपोर्ट के लिए 6 दबाएं। मुख्य, आपकी कॉल हमारे लिए बहुत अहम है, अब हम आपकी बात हमारे कस्टमर केयर एडवाइजर से करवाएंगे। और फरमाइए, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए ये कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है। कॉल पूरी हो जाने के बाद आपकी कॉल अपने आप ही सर्वे के लिए ट्रांसफर की जाएगी, ताकि आप अपना सुझाव इस कॉल पर दे सकें। कृपया लाइन पर बने रहें। गुड इवनिंग टू कस्टमर केयर, आपका स्वागत है, मैं अभिषेक आपके साथ कर सकता हूँ? हेलो, मैं मोहम्मद शहीद मोहम्मद हबीब रसल कैमर से। अच्छा भाई, हम जानना चाहते हैं, हमारा एक
फोस्टफेट सिम वाला बिल है, अगर इसका वाला बिल है, सिम वाला बिल वाला सिम है, बिल वाला सिम है, इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो ये कैसे कैंसिल करेगा? हमारा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट वाला सिम, नंबर मुझे बता दें, 052 676-4412 आपका नाम जान सकता हूँ? मोहम्मद शहीद मोहम्मद हबीब जी। आप जी अभी स्मार्ट प्लान 150 में है, आप इसे कैंसिल कराना चाहते राइट? जी, हम ये कैंसिल करेगा तो कैसे कैंसिल करेगा? और दूसरा बात है, अगर हमारा कॉन्टैक्ट खलास नहीं हुआ, समझो हमने 1 साल इस्तेमाल किया, फिर हम और 1 साल इसके में है, तो उस टाइम कैसे कैंसिल करेगा? ये देखिए आपका सर जो है, आप 24 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है सर, आपका जो है 1 मंथ रिमेनिंग बचा है सर। अभी अगर आप सर जो है इसे कैंसिल करते हैं तो आपको जो है आपका करंट बिल और रनिंग मंथ का बिल और 1 मंथ का वो सॉरी 1 मंथ का बचा है तो उसका पेमेंट 100 दिरहम जी। 26/9/2017 में आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, 26/9/2018 में 1 साल पूरा हुआ, 26/9/2019 में 2 साल पूरे हो गए, तभी वेट कर लेते हैं, 6 दिन बाद तो आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, तो आपको ये 100 दिरहम एक्स्ट्रा नहीं देने पड़ेंगे। करंट बिल भी आपने क्लियर कर दिया, ओनली रनिंग मंथ का देना पड़ेगा। अच्छा 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 अच्छा, तो 100 रुपया देगा नहीं देगा तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट खलास हो जाएगा, उस टाइम हम 100 रुपया देना नहीं पड़ेगा? अगर अभी कैंसिल करेंगे तो 100 दिरहम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि आपको 1 महीना अभी बचा है, 1 महीने के 6 दिन अभी कम घट रहे हैं। अगर आप 6 दिन बाद अगर कैंसिल करते हैं 26 के बाद, तो फिर आपका जो है खत्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर आपके 100 दिरहम नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, और दूसरा बात है, अगर हमारा समझो 1 साल पूरा नहीं हुआ, नहीं 1 साल हुआ और 1 साल बाकी है, उस टाइम में भी सेम तरीका में ये कैंसिल कर सकते? अभी देखिए कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद अभी जो नए आप रिन्यू कराते हैं सर, तो नए कॉन्ट्रैक्ट में ये हो रहा है नए रूल्स के अकॉर्डिंग कि अगर 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है या 24 महीने का लिया है, ओनली आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, पूरा महीना का देना नहीं पड़ेगा? बिल्कुल, अगर जैसे मान लीजिए 12 महीने में से आपने 6 महीने यूज किया, 6 महीने आपके बाकी है, तो 6 महीने का पूरा नहीं देना पड़ेगा, ओनली 1 महीने का देना पड़ेगा। अच्छा, तो क्यों हम पहले बंद करने के लिए कोशिश किया, वो बता रहा है तुम्हारा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल खलास हुआ और 1 साल बचा हुआ है, इसमें और 1 साल का बिल पूरा डाल के ये कैंसिल करना है? नहीं नहीं, आपका तो कॉन्ट्रैक्ट आपने 26/9/2017 में लिया था सर। नहीं नहीं नहीं, हमारा वाला तो सही है, लेकिन बहुत ऐसा हमारा दोस्त लोग, हम यूट्यूबर है ना, हमको पूछ आस करते हैं ये आदमी लोग, इसीलिए और उसके जानकारी चाहिए, तो आदमी लोग पूछ आस करते हैं कैसे बंद करने का सिस्टम है जी। तो बंद करने के लिए आपको डूशॉप जाना पड़ता है सर। अच्छा अच्छा, तो बस जितना महीना है 1 महीना का ज़्यादा देगा हो जाएगा? अभी आपका तो 1 महीने का तो आपका तो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो रहा है। हाँ। अभी जो नए प्लान ले रहे हैं उनके लिए ये ऐसा है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, मार्च वाले के से जो पुराना है। हाँ हाँ, जो पुराना लिया उन लोग ऐसा उधर पुराने वाले को तो पूरा पे करना पड़ता है, जैसे 2017-2018 वालों को। हाँ। और जो फरवरी वाले हैं, फरवरी से फरवरी के बाद वाले, उनको जो है सर ओनली 1 महीने का एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये महीना का फेब्रुआरी वाला का बाद जो लिया 1 महीना का देगा चलेगा, इसका पहले जो लिया वो पूरा पूरा दे के बंद करना है? जी जी। अच्छा अच्छा, थैंक यू जी। और कुछ बताए? अच्छा, हम ये हमारा जो कॉन्टेक्ट खलास हो जाएगा उसका बाद जाएगा कोई दिन ये बंद करने के लिए चलेगा जी? बट आप बिल साइकिल पहले चाहिएगा, नहीं तो रनिंग मंथ का स्टार्ट हो जाएगा। 26 में जाना पड़ेगा, 25 में जाना पड़ेगा?
26 में सर, 26 को तो खत्म होगा, तो 27 में जा सकते। 27 में जा सकते,